जगह थाना क्षेत्र के अमारी गांव में पेड़ काटने के विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची मुकामी पुलिस जांच में जुट गई है, जिसके संबंध में सीओ चौरी चौरा डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय ने बताया कि जगह थाना क्षेत्र के अमारी गांव में रमेश यादव पुत्र राम कुमार यादव ने पेड़ काटने के विवाद में अपने चाचा रामबचन यादव पुत्र राम आधार यादव निवासी अमारी को गोली मार दी थी। गोली रामबचन के हाथ पर लगी तथा रामबचन घायल हो गए और उन्हें तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी रमेश यादव मौके से फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायल रामबचन यादव की स्थिति सामान्य है। नहीं, गाड़ी किसकी है? जो भागा है रमेश, किसकी गाड़ी भागा? वो अपने गाड़ी से भागा है। कौन सी गाड़ी उसकी? उसकी तो दुपहिया तो दोपहिया मोटरसाइकिल भागा है। कौन सी गाड़ी है? देखे आलो है सुपर स्प्लेंडर। सुपर स्प्लेंडर आपके मतलब दीपाक के थे, वो लोग देखे भी, हम कहे देखिए उसका जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, वो कौन सी गाड़ी है? हीरोडा स्प्लेंडर नहीं, सुपर सुपर है। गाड़ी से लिया गए, निकल गए होंगे सब कुछ भाग लोग। पिताजी लोग छोटे थे तभी मर गए थे। इनके पांच बहने हैं, पांचों बहन की शादी हमारे पिताजी किए हैं, इसके भाई का शादी किए हैं, इसका घर बनवाया है, इधर घर है, इधर उसका घर बनवा के दे दिए, क्या कि मेरे भाई का छोटे। तो महिला है थोड़ा सा भी संकोच नहीं। कहाँ परिवार के परिवार वाले बताओ कहाँ पे हैं? कहाँ छिपे हुए हैं आप? परिवार वाले कहाँ हैं बताओ? उसके परिवार वाले कहाँ कहाँ छिपे हुए तो बताओ। पेड़ का विवाद है, पेड़ काट के लोग आए, फिर उसके वहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का विवाद हुआ, उस घर अपने अपने घर लोग चले आए, गया कट्टा लेकर रमेश यादव कट्टा लेकर के आया और मेरे पिताजी को गोली मारा है रामबचन यादव, उनके मेरे पिताजी के भाई का लड़का है।